लेडीज करने दीजिए हो भैया हो। विकलांग कोच में विकलांग को ही जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे मिथिला एक्सप्रेस में किस तरह लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे चाचा, अरे भाई गेट से हट जा यार। अरे भाई दूसरा ट्रेन भाई, जान जाए लेकिन मिथिला एक्सप्रेस ना जाए। 13021 हावड़ा और रक्सौल के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन मिथिला एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। और आज इस गाड़ी के लिए एक खास दिन भी है क्योंकि आज से ये गाड़ी चल रही है LHB कोच के साथ। चलिए शुरू करते हैं सफर को। उम्मीद करता हूँ ये सफर भी आपको पसंद आएगा और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाराज फिलहाल हम है हावड़ा के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है ये सभी के सभी मिथिला एक्सप्रेस के पैसेंजर हैं जनरल कोच के। और देख लीजिए यहाँ लाइन लगाकर चढ़ाया जाता है, यानी यहाँ जनरल कोच में सफर करना है तो आपको लाइन लगना होगा इस तरह। बाकी जब भी किसी ट्रेन को ICF से LHB में कन्वर्ट किया जाता है तो समझ लीजिए जनरल और स्लीपर कोच बहुत ज्यादा कम कर दिए जाते हैं। देखते हैं मिथिला एक्सप्रेस में कितने जनरल कोच और स्लीपर कोच कम किए गए हैं। भैया महाराज हमारी मिथिला एक्सप्रेस लगाई जा रही है हावड़ा के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यही है हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस। कोच देख लीजिए पूरा एकदम ब्रांड न्यू है, एकदम चकाचक चमक रहा है। फिलहाल अभी प्लेस ही किया जा रहा है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मिथिला हम लोग का बिहार के लिए गाड़ी खुला है, नया नया नहीं है महाराज, कोच नया मिला है, ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू। स्लीपर जनरल देखना है ना। हाँ। लेकिन मानना पड़ेगा कोच जो है वो दूर से ही चमक रहा है। ये रहा अपना जनरल कोच जिसमें हम सफर करने वाले हैं, और जनरल कोच एकदम पूरा नया लगाया हुआ है। अपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लाइन बाय लाइन सब कुछ रहा रहे हैं। भैया महाराज नाइंसाफी हुई है जो लोग जनरल और स्लीपर में सफर करते हैं इस मिथिला एक्सप्रेस में। पहले इस गाड़ी में 5 जनरल कोच थे, अब केवल 2 जनरल कोच हैं। पहले इस गाड़ी में 8 स्लीपर कोच थे, अब केवल 4 स्लीपर कोच हैं। और पहले 4 थर्ड AC थे, अब 10 थर्ड AC कर दिए गए हैं। और पहले 1 सेकेंड AC था, अब 2 सेकेंड AC। यानी 20 डब्बों की इस ट्रेन में केवल 12 डब्बे AC कोच के ही हैं। जो लोग AC में सफ़र करते हैं उसका तो वाह वाह ही हो गया। कि आज मिथिला एक्सप्रेस का पहला दिन है अपने ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ। तो यहाँ देख लीजिए फूलों से सजाया जा रहा है गाड़ी को। जय हो महाराज मिथिला एक्सप्रेस। तो गाड़ी में 3 जनरल कोच कम कर दिए हैं तो भीड़ भरना लाजमी है। नाम क्या हुआ? और कर्मकार। हाँ कर्मकार भाई जी मिले हैं। कर्मकार भाई जी इस मिथिला एक्सप्रेस में अन्याय जो हुआ है इसके बारे में कुछ बोलिए महाराज, बंगाली में बोलिए। प्रथम 10 AC कर लो, 3 AC और 2 सेकेंड AC, 2 सेकेंड AC और 4 স্লিপার। মানে সাধারণ লোকদের কথা ভাবা উচিত রেলে, এটা আমি বলবো। কারণ সত্যি কথা বলতে এই যে স্লিপার, এই যে জেনারেল, এখানে সত্যি কথা আমি বলছি কর্মকার ভাই, রেলওয়ে আব সেবা নাই রাহা হ্যায়, রেলওয়ে আব আপনে নেট ইনকাম অর রেভিনিউ কো বাড়ানে কে ফেরাক মে হ্যায়। এসি তে তো সবাই ট্রাভেল করবে কিন্তু সবার তো পয়সা, সবার তো সেই এফোর্টটা মানে থাকে না না এসি তে ট্রাভেল করার। কিছু বলিয়ে জেনারেল কাম হো গিয়া, স্লিপার কাম হো গিয়া। আরে জেনারেল পাবলিক সে গরিবো সে कोई मतलब नहीं है, मरो जियो, जाओ नहीं जाओ, ट्रेन में चढ़ो नहीं चढ़ो, उनको टिकट में पैसा ज़्यादा चाहिए। हाँ जो जनरल कंपार्टमेंट उनको बढ़ाना चाहिए, जनरल कंपार्टमेंट वो कम कर दे रहे हैं। स्लीपर भी कम कर, स्लीपर भी कम कर दिए हैं। हम तो समझ गए कि ये देश को बेच के खा गया, अब क्या करें। बचा क्या है कि जो अब हम बोलने का रास्ता रहे, हमको बचा क्या है बोले। मगर बहुत अन्याय हुआ हो। अन्याय तो वो हुआ कि सुपर फास्ट ट्रेन थोड़ी है, दिल्ली बम्बई गाड़ी थोड़ी है, नहीं है ये तो एक्सप्रेस है। चलिए हमारी मिथिला एक्सप्रेस निकल चुकी है हावड़ा से रक्सौल के लिए ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ। ओ भैया महाराज ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ तो चली है, लेकिन जनरल और स्लीपर वालों माथा पीट रहे हैं। आए भाई ओ भैया हावड़ा अन्याय हो गया मिथिला के साथ। दोपहर 3:45 में यहाँ चले हैं और ये गाड़ी रक्सौल पहुँचेगी कल सुबह 9 बजे। यानी लगभग 17 घंटे का इस मिथिला एक्सप्रेस का जर्नी है और इस गाड़ी का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है। हावड़ा से रक्सौल के बीच ये गाड़ी लगभग 36 स्टेशनों पर रुकती है। बाकी देख लीजिए मिथिला एक्सप्रेस का जनरल कोच का इंटीरियर पूरा गर्दी मचा हुआ है। वैसे भी जनरल कोच कम कर दिया गया तो गर्दी तो और मचेगा ही। बोलो बाबू कहाँ तक जा रहे हो? तो जनरल कोच कम कर दी गई है और ऊपर से पैसेंजरों को बैठने भी नहीं दिया जा रहा है जिसको मतलब बैठना है। इस तरह के लोग जो है ना आपको हर एक ट्रेन में मिल जाएंगे। सीट होते हुए भी किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। वही ना, देखिए इनको देख लीजिए, मतलब दादाजी समान चाचा जी हैं लेकिन फिर भी इनको बैठने नहीं दिया जा रहा। ठीक है इसका उपाय हम करेंगे। नहीं नहीं यहाँ एक बुजुर्ग खड़ा है, आप इनको बैठने नहीं, आप बैठने दीजिए। कहाँ है चौथा आदमी, कहाँ है? हाँ गेट में है। तो गेट से उनको भाई कब आएगा बोल दीजिए कब। मिथिला एक्सप्रेस में एक तो जनरल और स्लीपर कोच कम कर दिए गए हैं, ऊपर से देख लीजिए जगह होते हुए भी ऐसे ऐसे लोग आपको बैठने नहीं देंगे। तो सरकार जो ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच कम कर रहे हैं, सरकार को ऐसे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।
कितना भी विनम्रता पूर्वक आप ऐसे ऐसे लोगों से बात कर लीजिए, ये आपको नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे। तो भैया महाराज, गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है मिथिला एक्सप्रेस सिवरा फूली जंक्शन, जहां से एक लाइन तारकेश्वर की ओर जाती है, और ये है इस गाड़ी का दूसरा स्टॉप सिवरा फूली जंक्शन। और यहां देख लीजिए, खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, अमरूद है, उसका नाम कौन सी है वो फल का, जामरूल, जामरूल है। ये सिवरा फूली आता है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में, और रेलवे के हिसाब से फिलहाल हम है ईस्टर्न जोन के हावड़ा डिवीजन में। चलिए फिलहाल निकल चुके हैं सिवरा फूली जंक्शन से, यदि आपको तारकेश्वर जाना है तो यहीं से आपको लोकल ट्रेन मिलेगी। बाकी देख लीजिए केला भी मिल रहा है यहाँ, बंगाल में खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिलता है। खबर आ रही है कि तमिलनाडु स्टेट में बिहारियों को, यानी जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए ये सब अफवाह है, और ये भाई भी वहीं से आ रहे हैं। भाई कितना सच भाई, ये सब के बारे में मेरे मत पूछे, मेरे यहाँ नहीं हुआ था। आपके यहाँ नहीं हुआ था, यानी कि आप जहाँ थे वहाँ ये सब कुछ नहीं हुआ? ये सब कुछ नहीं हुआ। यानी दोस्तों, यानी ये सब अफवाह है, और कृपया करके अफवाहों पर ध्यान ना दे। मेरा खुद वीडियो ये लोग काट के और तमिलनाडु स्टेट से जोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कहीं इक्का दुक्का, अब देखिए अब होता क्या है कि अगर धुआं उठा तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, लेकिन उतना भी आग नहीं लगा है जितना आग दिखाया जा रहा है। देख लीजिए मेरे प्यारे रेल फ्रेंड्स, बंगाल की खूबसूरती, बंगाल भी एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। हमारी मिथिला एक्सप्रेस खड़ी है चंदननगर के आउटर के पास, और चंदननगर के बारे में बताएंगे अपने अभिक भाई। हाँ, চন্দননগর ফেমাস হচ্ছে এখানকার জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য, যারা বাঙালিরা তারা সবাই জানে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা আর লাইটিং এর জন্য ফেমাস, বাইরে বাইরে থেকে সব দেখতে আসে। ভাইয়া মহারাজ, গাড়ি আমারি পৌঁছ চুকি হ্যায়, জি হ্যাঁ, ব্যান্ডেল জংশন। বহু সারে লোক ব্যান্ডেল মে আপনি যাত্রা সমাপ্ত করেঙ্গে। পানি ওয়ালা কুছ পানি আয়া, পানি আয়া, পানি আয়া হ্যায়। হ্যাঁ মহারাজ, আইয়ে ভাইয়া, আইয়ে আইয়ে। বাকি দোস্তো, ব্যান্ডেল ভি এক জংশন পয়েন্ট হ্যায়, কিউকি হাওড়া কি ওর সে হাম আ রহে হ্যায় আর জায়েঙ্গে হাম বর্ধমান কি ওর, ইসকে আলাভা ইয়াহাঁ সে এক লাইন জাতি হ্যায় নেহাট্টি কি ওর, नेहट्टी के रास्ते सियालदह, और एक लाइन आती है यहाँ से नवमी धाम कालना के रास्ते अजीमगंज की ओर। जय हो बैंडेल जंक्शन। हाँ माँ महाराज जी, बहुत सारे हॉकर्स अब इस गाड़ी में बोर्ड करेंगे। जय हो हॉकर्स महाराज। ये शाम के 4:49 हो चुके हैं, पानी वाला आया है, पानी वाला आया है। बहुत सारे लोग अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करेंगे, बैंडेल जंक्शन से। अरे पहले उतरने वाला को उतरने दीजिए ना महाराज जी, को मतलब हुआ हो। तो लगभग हावड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं अपने मिथिला एक्सप्रेस से, और पहुंच गए बैंडेल जंक्शन, जो कि आता है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। और देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी यात्रा की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। सभी सोचते होंगे कि मिथिला एक्सप्रेस का रंग रूप सब चेंज हो चुका है। अरे चाची क्या हुआ? अरे अरे महाराज, अरे 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 भाई, रे क्या हुआ रे? अरे अरे भैया, अरे महाराज, कौन मार रहा है, कौन मार रहा है, मार रहा, कौन मार रहा है? लेडीज लेडीज में हो रहा है। अरे भाई छोड़ दे छोड़ दे, छोटा तीन को लड़का है, उनका पापा जो भूसा को निकले देना भूसा पिएगा। अरे चाची जनरल कोच कम हो गया है, पहले 5 था अब 2 हो गया है। अब तो मेरी छोटा बच्चा मार रहा है, तब नहीं 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 ऐसे कर अपने बच्चे के लिए छोटा बच्चा को खींच के गिरा दी। अरे बहुत गलत बात है, काय पुलिस वालों को बोलिए ना आप लोग, ये बच्चा बच्चा है, अब देखिएगा इसको, देखिएगा। अरे भाई रे कैसे कर रहा है, बेमरिया बच्चा है ये, इसको जात रहा है, लोग फोन मार रहा है, इसको मार रहे हैं, इसको पुलिस वालों को बोलो ना यार, पुलिस वालों को बोलो ना। अरे पुलिस वाला कहाँ है? अरे वहाँ आरपीएफ है महाराज। दुख की बात यह है कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो मतलब पता नहीं कहाँ खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, यहाँ लड़ाई हो रहा है, वो वहाँ हवा खा रहे हैं। अरे भाई गेट से हट जा यार। तो देखा आपने, जनरल कोच कम कर देने से मारामारी मच चुकी है, तो यही होगा, जनरल और स्लीपर कोच सरकार कम करेंगे तो यही होगा। फिलहाल ट्रेन हमारी चल चुकी है, वो परिवार में ही मतलब वो लोग भीड़ गए थे, फिर बुलाना पड़ा आरपीएफ साहब को। और बाकी चाचा कहाँ गए हो, महाराज जा रही ना हो? करेगा सरकार में, करेगा आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, करेंगे हम लोग भी करेंगे। आवाज़ कम से कम उठाइए ना महाराज, हम लोग बोलिए कितना कष्ट से जा रहे हैं। कष्ट तो हो रहा है, कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जाइएगा। चाचा मुजफ्फरपुर जाएंगे और इनको कष्ट हो रहा है, आवाज़ उठाना ये चाचा जरूरी नहीं समझते हैं। इतना नाइंसाफी हुआ है, कुछ बोलिए महाराज दो शब्द। क्या बोले, सरकार तो सब देख ही रहे हैं ना, उन्हीं सरकार देख रहा है, तो सरकार को दिखाइए थोड़ा अच्छा से।
दिखाइएगा तब ना वो देखेगा। बोलिए ना, वो देख रहा है सरकार। अरे भाई, हम लोग से देखने से अगर दिख रहा है सरकार को, तो फिर उस पर निर्णय लेना अपना। तो सरकार जी देख लीजिए, आप लोगों ने एक नॉर्मल ट्रेन की एसी कोच बढ़ा दी, जनरल स्लीपर कम कर दिए, कितना कष्ट करना पड़ रहा है। भाई साहब, तब से हावड़ा से ही झोरा को लेकर खड़े हैं। धीरे धीरे सरकार जो है लगता है जनरल कोच और स्लीपर हटा ही देगा, है कि नहीं? कुछ बोलते भी लग तो रहा है हटा देगा। अंदर आपको जगह देते मजबूरी का नाम जनरल कोच तो कॉम्प्रोमाइज कोच है, सबको यहाँ जाता है एडजस्ट करके। बैठिए अंकल जी, एडजस्ट करिए, आराम से जाइए। बैठिए अंकल जी। हो महाराज, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बैग एक साइड में रख लिए। अगर ये पैर अगर पैसेंजर चाहे ना तो कोई खड़ा नहीं रहेगा। या अच्छा। आप तो बैठे हुए भी हैं, लेकिन जो लोग खड़े हैं उसका तो पैर दर्द कर रहा है हावड़ा से ही, वो क्या करेंगे? बैठ जाइए। मिलजुल कर जाना है महाराज, किसी को बरौनी, किसी को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, किसी को मोतिहारी। भैया बर्धवान आ गया, उतरने दीजिए महाराज, उतरने दीजिए भैया, यहाँ का सम्पापड़ी खरीदेंगे, उतरने दीजिए। बर्धवान का ये खाएंगे सीताभोग। सीता कष्ट है महाराज, सबको कष्ट है। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरे महाराज उतरने दीजिए। हो भैया हो तो महाराज, लगभग 105 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और पहुँच गए पश्चिम बंगाल का रॉयल हेरिटेज सिटी बर्धवान। बर्धवान जंक्शन में आपका स्वागत है। अच्छा, आपका जर्नी यहीं तक था ना? अच्छा। हमारे अभिक भाई का सफर यहीं खत्म हुआ है और आगे आप जा भी नहीं पाते। हाँ देख लीजिए, ये है दिव्यांग कोच, और दिव्यांग कोच में दिव्यांग लोगों को ही अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दिव्यांग कोच में देख लीजिए सब्जी उब्जी भरा हुआ है। ए चाची, ये हाल है इस मिथिला एक्सप्रेस के जनरल कोच का। विकलांग कोच में देख सकते हैं, विकलांग कोच में विकलांग को ही जाने नहीं दिया जा रहा है। अरे भैया महाराज, दिव्यांग कोच है भैया। अरे दिव्यांग को जाने दीजिए हो महाराज। अरे दिव्यांग को जाने दीजिए भैया, इसके लिए कोच रिजर्व है, आप लोगों के लिए नहीं। कुछ ऐसा हो रहा है इस गाड़ी के जनरल कोच। दोस्तों सिग्नल हो चुका है। अरे अरे यार जाने दे अंदर। अरे भाई जाने दे अंदर भाई, विकलांग बोगी जाने दे, विकलांग को चढ़ने दिया जा रहा है। अरे अरे भैया चलिए अंदर, यही पे खाली है, कम से कम गिरेगा तो किसी का मुंडी के ऊपर गिरेगा ना, जान तो नहीं जाएगा ना। इस गाड़ी में जनरल कोच काम करने से कितने लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे हमारे बड़े भाई हैं जो आवाज नहीं उठा रहे है। काकू, ओ काकू, जनरल कोच कम कर दिया गया। जनरल कोच और बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आम आदमी को बहुत। पांच जनरल कोच थे, अब दो कर दिए हैं। नहीं ये ठीक नहीं है, पांच अब बढ़ाना चाहिए। भैया बाथरूम में कोई नहीं ना है? रेलवे का कूटनीति बोलिए। बाकी भैया बात करूं इस मिथिला एक्सप्रेस की किराए की, तो यदि आप इस कंडीशन में हावड़ा से नेपाल बॉर्डर रक्सौल जाते हैं जनरल कोच में, तो आपको देने पड़ेंगे मात्र 210 रुपये। लेकिन भाई बहुत परेशानी है, देख ही रहे हैं आप इस जनरल कोच में लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं स्लीपर का पर जाएगा 380 रुपये, और थर्ड एसी का है 1030, सेकंड एसी का है 1470 रुपये। अलग से पेंट्री कार नहीं है। बाकी किस हाल में लोग इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। आप ही लोग नई आवाज़ उठाइएगा तो कैसे होगा? वो मतलब कष्ट कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे ना भैया। किसका बोल रही है भैया? दोस्तों खोलो, सभी के सामानों को एडजस्ट कर रहे हैं। इतना आदमी नहीं है, आदमी से ज्यादा लोग सामान कैरी कर रहे हैं। इच्छा देख लीजिए हमारे मिथिला एक्सप्रेस में किस तरह लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं मेरी वीडियो से कट निकालकर इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं ट्विटर जैसी सोशल मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं। एक हम नई दिल्ली से पटना आए थे संपूर्ण क्रांति की ट्रेन जर्नी में, वहाँ उस वीडियो में एक टीटी साहब एक लड़के को थप्पड़ पर चलाते हैं, उसने मतलब इस घटना को तमिलनाडु स्टेट से जोड़ दिया। देखिए कितना गलत है, घटना कहीं और का है और इसे जोड़ दिया गया कहीं और का। अगर वीडियो शेयर करना है तो भाई दिखाओ किस तरह से मिथिला एक्सप्रेस में जनरल और स्लीपर कोच कम होने से कितना लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भेड़ बकरी तो ट्रैवल कर रहे हैं। उस तरह किसी स्टेट को आप बदनाम ना करो। हो महाराज जी, थोड़ा जी को उतरने के लिए। सॉरी। ए भगवान,
कष्ट काहे नहीं खत्म हो रहा हो? खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होने वाली है मिथिला एक्सप्रेस में। लिट्टी वाले भाई साहब चढ़ गए। हाँ सर, लेडीज को आने दीजिए, आइए लेडीज, जाइए आप। ये क्या कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कॉम्प्रोमाइज। भैया थोड़ा आने दीजिएगा, करेगा इधर तो मेरे कंधा में ला देगा। हे लड़ाई मत कीजिए आप लोग। ये भैया महाराज पैसा लेने दीजिए, कलकत्ता का मछली बाजार है क्या? दोस्तों अब ये मिथिला एक्सप्रेस मछली बाजार बन चुका है। अरे खाइए ना, अरे आपका बेटा को खिला रहा है, अरे खाइए ना मेरे तरफ से। हालांकि दोस्तों ट्रेनों में कोई भी कुछ खाने को दे तो नहीं खाना चाहिए रेलवे के अनुसार। दुर्गापुर दुर्गापुर दुर्गापुर। तो भैया हमारी मिथिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दुर्गापुर। दुर्गापुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई है और समय देख लीजिए, शाम के 7:01 हो चुके हैं। बाकी आपको पता ही है दुर्गापुर क्यों फेमस है। यहाँ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाला दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि बहुत बड़ा है ना, हो जहाँ लोहा बनाया जाता है, लोहा लोहा स्टील बनाया जाता है। कुछ लोग हैं जो यहाँ से वोट करेंगे। हे हमारे चाचा, अरे आपका खुद का ठीक नहीं है, आप सामान को कहाँ रखिएगा? पंची है इसका अंदर, पन्नी है, पॉली है, इसको गिरेगा, 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 नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा दीदी, जा अंदर, जा अंदर। सब कूटनीति है, सब कूटनीति है। ये महाराज हमारी 13021 मिथिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाईचारों का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। स्वागत है आपका भाईचारों के शहर आसनसोल में। और समय देख लीजिए, रात के 8:06 हो चुके हैं। अब है चाची दुए गो जनरल कोच, चाची दुए गो जनरल कोच और आ गए अब अपना जनरल कोच के पैसेंजर। तो भैया भाईचारों के शहर आसनसोल में आपका स्वागत है। और देखिए यहाँ एक और भैया मिले हैं, नाम क्या हुआ आपका? गणेश कुमार। आपका गणेश नाम है? अरे भैया मेरा भी नाम गणेश जी है। अच्छा देखिए, मिथिला एक्सप्रेस में जो कारनामा हुआ है, स्लीपर और जनरल कोच कम कर दिए गए हैं, आधा से ज़्यादा कम कर दिया है, इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर, जनरल लोगों के लिए बहुत कष्ट हुआ है, बहुत देख लीजिए, मतलब ब्लॉग में अगर आप देखिएगा तो इतना कष्ट किया है ना। पहले तो कुछ आराम भी था, अब तो कोई आराम नहीं है, ना ही आराम स्लीपर वालों को है और ना ही आराम जनरल वालों को है। कहाँ 8 स्लीपर था 4 कर दिया है, कहाँ 5 जनरल कोच थे वहाँ 2 कर दिया है, कहाँ तक सही है बोलिए? बहुत बहुत परेशानी है लोगों का, लटक के जा रहे हैं लोग। जबकि ऐसी गाड़ी है जो कि 36 स्टेशनों पर रुकती है हावड़ा से रक्सौल के बीच। कभी सीट मिल चुका है, चलते हैं तब। कुछ बोलना चाहेंगे? लाख लाख शुक्रिया आपको। जो ऊपर वाला जो कहते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, जो ऊपर वाला करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और जो लोग जो बैठा हुआ है ना उनको, वो लोग अपना है, उनको है ना माथा में ताज पहना दीजिए, ताज वो लोग खूब ऊपर वाला पहनाएगा, वही ना हम लोग पहना कर पाएंगे। अरे देख लीजिए, अरे जाने दीजिए, हो भैया ठेलिए कस के ठेलिए, दिखाइए दाल भात चोखा का सर, ठेलिए महाराज, ठेलना ही पड़ेगा। भैया क्या कर रहे हैं महाराज, क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए, दूसरा ट्रेन, दूसरा ट्रेन, अरे भाई दूसरा ट्रेन भाई, देख लीजिए जान जाए लेकिन मिथिला एक्सप्रेस ना जाए, जय हो मिथिला एक्सप्रेस, जान जाए लेकिन मिथिला एक्सप्रेस ना जाए, जय हो भैया। अरे महाराज हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी भैया, जय हो मिथिला।